नमस्कार दोस्तों, रांची देवरी मंदिर का दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सूर्य मंदिर के गेट पर खड़े हैं और अब हम अंदर चलेंगे सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। आज का ब्लॉग सूर्य मंदिर के ऊपर बना हुआ है, चलिए अंदर चलते हैं। सूर्य मंदिर रांची झारखंड से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। NH 33 पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर का निर्माण विशाल रथ के रूप में किया गया है, जिसमें सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए 18 पहिए और 7 प्राकृतिक घोड़े और पार्वती और गणेश जी की मूर्ति के सहित कई अन्य मूर्तियां भी इस मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर तो हमें फोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं, इसलिए मैं अंदर की फुटेज आपको लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बाहर की जितनी खूबसूरत सीनरी है ये देखिए। ये पहिए यहाँ पर लगे हुए हैं, ये 9 पहिए दोनों साइड में, एक तरफ 9 पहिए दूसरी तरफ 9 पहिए लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये बनाया गया है। मंदिर का निर्माण रांची एक्सप्रेस समूह के प्रबंधक निदेशक श्री सीताराम मारू के द्वारा किया गया था। 24 अक्टूबर 1991 और स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती द्वारा आधारशील रखी गई थी और प्राण प्रतिष्ठा 10 जुलाई 1994 को स्वामी श्री वामदेव जी महाराज द्वारा की गई थी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि पूरे झारखंड में यह एक ऐसा मंदिर है जहां हम किसी भी प्रकार की जीव जंतुओं की बलि नहीं दी जाती। मंदिर के अंदर एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भी है जिसमें अनेकों बच्चे रहते हैं। इस मंदिर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। पेड़ों से घिरा हुआ और मंदिर बड़े बड़े पेड़ पौधों और झाड़ियों के बीच में मनमोहक प्राकृतिक क्षेत्र के बीच स्थित है। रथ के आकार में बना हुआ यह मंदिर, इसमें 7 घोड़े जो कि उड़ने के लिए तैयार हैं। सूर्यदेव के ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर झारखंड में अगर आप आते हैं तो एक बार यहाँ पर भी एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपको मिलेगा। जरूर आइए और अपना समय बिताइए, अपने परिवार के साथ आइए और इस खूबसूरत मंजर को अपने दिल में बसा करके फिर यहाँ से जाइए। और अब हम आगे चलते हैं दशम फॉल्स की ओर और यह आज का मुख्य आकर्षण रहेगा। मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट व्लॉग में हम फिर मिलेंगे आपसे।